जहां एक तरफ पूरे देश में लोग राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर उत्साहित हैं, लोग बेसब्री से 22 जनवरी का इंतजार कर रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर है। वहीं दूसरी तरफ एक बार फिर सपा के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने विवादित बयान दिया है। इस बार स्वामी प्रसाद मौर्य ने राम मंदिर आंदोलन के लिए अपनी जान न्यौछावर करने वाले कार सेवकों को लेकर बयान दिया है। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य ने कार सेवकों को अराजक तत्व बताया है। साथ ही उनका कहना है कि तत्कालीन सीएम मुलायम सिंह यादव ने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए कानून की रक्षा के लिए साथ ही अमन चैन कायम रखने के लिए गोलियां चलवाई थी। बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य का ये बयान उस समय आया है जब कुछ ही दिनों में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। साथ ही 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर आंदोलन में अपनी जान गंवाने वाले कार सेवकों के परिजनों को भी आमंत्रण दिया गया है। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान के बाद सियासत भी तेज हो गई है। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान को लेकर कई नेताओं ने विरोध जताया है। यूपी सरकार के मंत्री और बीजेपी नेता दानिश आजाद अंसारी ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए सपा पर निशाना साधा है। बीजेपी नेता दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि सपा समाज को अलग करके विवाद पैदा करना चाहती है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। एक तरफ जहां बीजेपी गंगा जमुनी तहजीब को बढ़ावा दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के नेता ऐसे विवादित बयान देकर समाज और जनता दोनों में भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं। साथ ही केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने भी स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान की घोर निंदा की है। उन्होंने कहा है कि कार सेवकों पर गोली चलवाना इतिहास के लिए एक काला अध्याय था। बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य को न सिर्फ नेता बल्कि कई धर्म गुरुओं ने विरोध जताया है। जगत गुरु राम दिनेशाचार्य ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को लेकर उन पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग ऐसे बयान केवल आतंकवाद का साथ देने वाले लोगों को खुश करने के लिए देते हैं। जिन लोगों ने कार सेवकों पर गोली चलाई है, उन्हें देश कभी माफ नहीं कर सकता। स्वामी प्रसाद मौर्य का नाश होना तय है। बता दें कि साल 1990 में साधु संत के साथ साथ श्रद्धालु भी भारी संख्या में अयोध्या पहुंचने लगे थे। उस वक्त उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और उस वक्त के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव थे। कार सेवकों की बढ़ती संख्या को लेकर अयोध्या में प्रशासन ने कर्फ्यू लगा रखा था। बाबरी मस्जिद के 1.5 किलोमीटर के दायरे में पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा रखी थी। कार सेवकों की भीड़ बेकाबू हो गई थी। 30 अक्टूबर 1990 को पुलिस ने कार सेवकों की भीड़ पर गोलियां चलाई, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद अयोध्या से लेकर देश का माहौल पूरी तरह से गर्म हो गया था। तब मुलायम सिंह यादव ने बीजेपी पर इल्जाम लगाते हुए कहा था कि बीजेपी वालों ने अयोध्या में 11 लाख की भीड़ कार सेवकों के नाम पर खड़ी कर दी थी। देश की एकता के लिए मुझे गोली चलवानी पड़ी, जिसका मुझे अफसोस है, लेकिन इसका कोई विकल्प नहीं था।